जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक में। मैं हूं आचार्य संध्या सक्सेना और आज मैं आपको एक नया वीडियो देने आई हूं। ये वीडियो जो है आपकी किसी भी दुर्लभ मनोकामना को पूरा करने के लिए, यदि आपकी कोई दुर्लभ मनोकामना है वो टाइप से पूरी नहीं हो रही है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप होली पे भी प्रयोग कर सकते हैं, दिवाली पे प्रयोग कर सकते हैं, अमावस्या पे प्रयोग कर सकते हैं और वैसे जनरल आप किसी भी टाइम कोई भी अच्छा शुभ मुहूर्त देख के कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि पूरे दिन में एक समय ऐसा आता है जिस समय शुभ टाइम होता है, सर्व कार्य सिद्धि योग होता है, एक डेढ़ घंटे का ही टाइम होता है, वो उसमें भी कर सकते हैं। तो पंचांग चेक करा करो भैया, हिंदू हो तो हमारा जो एक दिन होता है ना उसमें हमारे पास अच्छा टाइम, बुरा टाइम, मध्य टाइम, औसत टाइम सारे होते हैं एक ही दिन में, तो उस समय वे उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से होरा भी होती है। होरा कैसे होती है, जैसे मैंने किसी को बोला कि मंगलवार के दिन कोई काम करना है, किसी कारण से वो व्यक्ति मंगलवार को वो काम नहीं कर पाता है, वो चूक जाता है, तो नेक्स्ट डे उसको वो कर सकता है। पर कैसे कर सकता है, हर दिन में जो हमारे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि होते ना, इनके होरा आती है, हर दिन आती है और ये एक एक दो दो घंटे की होती है। जैसे अब बुध की होरा चल रही है, अब बृहस्पति की होरा चल रही है और ये पर डे आती है। तो जो लोग मंगलवार को मंगल वाला पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं और अगले दिन तो है बुध या उसके अगले दिन है बृहस्पतिवार, तो उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे, मंगल की होरा में। जैसे मैंने आपको कोई प्रयोग बताया और मैंने कहा इसको शनिवार वाले दिन ही करना है, अगर आप किसी कारण से शनिवार वाले दिन नहीं कर सकते हैं तो आप उसको नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना क्या होगा, शनि की होरा चेक करो और उसमें वो प्रयोग कर लो, तो वो उतना ही इक्वल होता है जिस दिन आपने शनिवार लगता है। समझ में आ गया, तो ये खेल है ग्रहों का। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपकी कोई दुर्लभ मनोकामना हो उसको पूर्ण करने का एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं, और ये है पानी से वशीकरण या पानी से इच्छा पूर्ति, आप जो भी समझ लीजिए। आप इसको किसी प्रसिद्ध डे पे कर सकते हैं, जैसे होली पे कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं, नवरात्रि पे कर सकते हैं, अक्षय तृतीया पे कर सकते हैं, शिवरात्रि पे कर सकते हैं, पूर्णमासी पे कर सकते हैं, आप अमावस्या पे कर सकते हैं, तब से स्टार्ट करना है। तो क्या करना है, अगर आप में से किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है और आपका प्यार हासिल नहीं हो रहा है, आप तब कर सकते हैं। अब किसी दुर्लभ नौकरी की ख्वाहिश है वो नहीं मिल पा रही है, आपको विदेश जाना है नहीं हो पा रहा है, आप कोई भी काम हो रहा हो जो ठीक से ना हो पा रहा हो, तो आप इस प्रयोग को सटीक रूप से कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो आप इसको होली पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, मेरा काम ही वीडियो बताना। अच्छा, और शुक्रवार को कर सकते हैं, मंगलवार को, और वैसे तो फिर अगर आपको बहुत अर्जेंसी है तो आप दिन देख लेना, जैसे मान लीजिए आपको आज से ही करना है तो आपकी आज ही अर्जेंसी है तो आज में आप पूरा पंचांग देख लेना कि सर सिद्ध योग या शुभ मुहूर्त क्या है आज का, जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं तो कर लेना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये, यदि आप टाइम के हिसाब से करोगे, जैसे आप दिवाली से कर रहे हो, होली से कर रहे हो या नवरात्र से कर रहे हैं, तो एक निश्चित टाइम पर करना। और निश्चित टाइम में बताऊँ आपको क्या रहेगा, अगर आपको रात को 11:15 से करोगे तो बेस्ट है। क्या करना है, अब सुन लो, सबसे पहले आपको एक कांच का ग्लास लेना है, उस कांच के ग्लास में आपको पानी भर लेना है। क्या करोगे, कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी भर लेना है, कांच के ग्लास में पानी भर के उसको अपने सामने रखना है और हाथ से दोनों पकड़ लेना, उसको ऐसे पकड़ना है कि आपकी जो दोनों हथेलियां हैं वो ग्लास पे अच्छी तरह से चिपक जाए, एक को तो नीचे रख लेना और उसके ऊपर ग्लास रख लेना हथेली पे, और दूसरी हथेली से कांच का ग्लास पकड़ लेना। अब आपको कांच का ग्लास पकड़ने के बाद, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे दोनों हाथों को पास लाते हैं ना दोनों हथेलियों को, तो इस तरह से कांच का ग्लास पकड़ लेना। अब कांच का ग्लास जो आपने लिया है इसको सीधे रखना, अच्छा पानी जो है प्लेन वाटर होना चाहिए इसमें, कुछ बिल्कुल सिंपल वाटर, लेकिन पानी प्योरीफाई होना चाहिए, यानी कि अच्छा शुद्ध जल हो, मतलब साफ होना चाहिए, अच्छा जल होना चाहिए, चाहे आपका हैंडपम्प का हो, चाहे आपका नल का हो, चाहे आप तो चाहे तो उसमें दो बूंद गंगा जल के मिला लो, कुछ भी।
अब आप जल को हाथ में ले लेंगे और आपको उसके बाद महसूस करना है कि जो पानी है ना वो आपकी पूरी बॉडी से अंदर से बाहर निकल के ग्लास में आ रहा है, मतलब ये पानी पानी जो है आपके दोनों हाथों से होकर आपके एक हाथ से सीधे हाथ से आपके शरीर के अंदर ये पानी प्रवेश कर रहा है और आपके पूरे शरीर से घूमते हुए उल्टे हाथ से वापस पानी अंदर जा रहा है, और ये चैनल को आपको 7 बार महसूस करना है इस तरह से। तो यानी कि पानी मेरे सीधे हाथ से मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और मेरे शरीर के अंदर घूम रहा है, और अब मेरे पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक घूमता हुआ फिर मेरे उल्टे हाथ से बाहर आ रहा है और वापस ग्लास में जा रहा है। इस तरीके से आपको 7 बार इमेजिनेशन करना है। तो क्या होगा कि बॉडी का पानी से कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है, हो गया। अब पहली बात, अगर आपको किसी से प्यार है और आप चाहते हैं उससे आपकी शादी हो जाए, तो आपको पानी को देखकर बोलना है, अपने इष्ट की तरफ ध्यान रखना है। अब जैसे कि आपको दुर्गा जी पसंद है, मतलब कि दुर्गा जी माता रानी, आप माता रानी को बहुत मानते हैं, माता रानी की सेवा पूजा पाठ करते हैं, तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। अब एग्जांपल मैंने आपको बोला कि कोई लड़की है जिसका नाम है कविता और उसको मुदित नाम के लड़के से बहुत प्यार है, और वो मानती है देवी कामाख्या को या देवी दुर्गा को मानती है, चलो देवी दुर्गा माँ बहुत कॉमन है, सब उनको ज़्यादा मानते हैं तो उन्हीं का ले लेते हैं। तो वो लड़की बोलेगी कि हे देवी माँ, हे माता रानी, मैं, अब तो मैं तो नाम ही भूल गई क्या बोला था मैंने, चलो हे देवी माँ, मैं मोनिका शर्मा आपका धन्यवाद करती हूँ मुदित चौधरी को मेरा पति बनाने के लिए, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुदित मेरे साथ बहुत खुश है और हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है। ये जो शब्द हैं आपको इसे 21 टाइम बोलना है। आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हे देवी माँ, मैं अंकिता शर्मा महेंद्र कुमार के साथ मेरी शादी करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं और महेंद्र आपके मंदिर में आकर आपके दर्शन करते हैं, इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नौकरी की चाह है तो फिर आप बोलेंगे कि हे माता रानी, मैं आदिति कुमारी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, 21 टाइम। आपकी जो भी इच्छा है उसको इसी तरह से बोलेंगे। यदि आप बीमार हैं तो फिर आप बोलेंगे कि हे गणेश जी महाराज, आपका शुक्रिया 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 मेरे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए, रोग शोक शत्रु तंत्र बाधा हर तरह की परेशानियों से मुझे मुक्त करने के लिए, हे गणेश जी महाराज आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगर अपना नाम लेके बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि हे गणेश जी महाराज, मैं संध्या सक्सेना आपका शुक्रिया करती हूँ, आपका शुक्रिया 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 मुझे और मेरे पूरे परिवार को हर तरह के रोग शोक शत्रु तंत्र बाधा और हर परेशानी से, देवी देवताओं के क्रोध से बचाने के लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हमें खुशहाल सुखी जीवन देने के लिए आपका गणेश जी महाराज मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे बोल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने रोग शोक शत्रु के लिए बोल सकते हैं, आपको किससे प्यार है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं, जैसे आप किससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है, या नहीं करती, तो आप बोलेंगे कि हे शिवजी महाराज जी, अब आप शिवजी को मानते हैं तो हे शिवजी महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नेहा कुमारी मेरे प्यार में पागल है, नेहा मुझसे बहुत प्यार करती है, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरह से 21 टाइम आपको बोलना है, चाहे आप नौकरी के लिए बोलें, चाहे छोकरी के लिए बोलें, चाहे छोकरे के लिए बोलें, चाहे शादी के लिए बोलें। यदि आपका पति आपको तलाक देने की बात करता है, यदि आपकी पत्नी तलाक देने की बात करती है और आपको नहीं चाहिए, तो आप उनके लिए बोलते हैं, आप जैसे नारायण को मानते हैं, तो हे भगवान विष्णु महाराज जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मेरी पत्नी जो है रेखा शर्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे साथ रहती है और मेरे साथ वो बहुत खुश है, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर इस सेंटेंस को 21 टाइम बोलेंगे। अभी आपको मेरी बात का मर्म समझ में आ गया हो कि आपको कैसे बोलना है, पॉजिटिव रह के बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, खुशहाल बोल के रहे और खुशी के साथ बोलना है। इसलिए मैंने बोला था कि आपने पहले
पानी का संबंध अपने आप से स्थापित करना है, पानी को अपने शरीर से अंदर बाहर 7 बार करना है, पानी के साथ आपको अपना संबंध स्थापित करना है, फिर आपको 21 बार कमांड देनी है। और उसके बाद फिर जब आप 21 बार कमांड दे देंगे तो वो पानी का ग्लास तो आपके हाथ में ही है, फिर आपको महसूस करना है कि सफ़ेद रंग की रोशनी उस पानी पे पड़ रही है, सफ़ेद रंग की रोशनी आसमान से आ रही है और उस पानी पे पड़ रही है, और आप उस पानी के अंदर हैं और वो पानी को और आपको वो सफ़ेद रोशनी दोनों को, आप दोनों को ब्लेस कर रही है, यानी कि आपके शरीर के अंदर से आर पार होकर उस पानी के अंदर से भी आर पार हो रही है। और आपकी जो इच्छा है, जैसे आपने बोला था कि मीरा कुमारी मुझसे प्यार करती है, वो मेरे साथ बहुत खुश है, तो मीरा कुमारी आपके साथ है, वो हंस रही है, बोल रही है और आपके साथ बहुत खुश है, ऐसा आपको फील करना है, ऐसा 5 मिनट तक फील करना है आपको। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो सारा का सारा पानी सड़क से पी जाना है। ये प्रयोग आपको 21 डेज लगातार नॉन स्टॉप करना है, एक दिन भी नाका नहीं होना चाहिए। पहली बात, पीरियड्स वगैरह का इससे कोई मतलब नहीं है, आप रोग हैं, शोक है, शत्रु, परेशानी, दुखी, किसी भी चीज़ में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। 2, अगर आपके घर में किसी का जन्म हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। 3, अगर आप बीमार हैं, पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बात 4th बात, इसको रातों 11:15 पर ही स्टार्ट करना। उसका कारण यह है कि उस समय अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ से ब्लेसिंग्स भेजती हूँ हमेशा 11:15 के आसपास। तो अगर आप इसे 11:15 पर करेंगे तो मैं यहाँ से ब्लेसिंग्स दूंगी और मैं बोलूँगी कि मालिक मेरे कहने पे 11:15 से जो भी व्यक्ति पानी को ब्लेस करके पीने जा रहे हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाए। ये मैं अपने मंदिर में, अपने पूजा पाठ में, अपने जो मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ उसमें लगाऊंगी। तो अगर आप 11:15 पर करोगे तो आप मुझसे कनेक्टेड हो जाओगे और आप, ठीक है, तो इसलिए आप 11:15 पर ही करना, आप सब जितने लोग भी हैं। लेकिन किसी को टाइम की प्रॉब्लम हो तो भाई मैं उसमें भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो 11:15 पर ही करूँगी इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि उस समय तक बहुत शांति हो जाती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। तो और वैसे में फिर आपको नाइट में 8 बजे करो, 7 बजे करो, 6 बजे करो, कभी भी कर लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन टाइम निश्चित रखना। अगर आपने पहले दिन 9 बजे किया है तो रोज़ रात को 9 बजे ही करोगे, अगर रात के 2 बजे कर रहे हो तो रात को रोज 2 बजे ही करोगे, लेकिन मैं 11:15 का टाइम दे रही हूँ, तो जो लोग मुझे फॉलोवर्स के हिसाब से चलेंगे वो रोज रात को 11:15 ही करना, ठीक है। तो आपको ये प्रयोग करना है 21 दिन में, 21 दिन में ही आप जो भी मन की इच्छा है वो पूरी होने के चांसेस 100% है। आप इस प्रयोग को कर लीजिए, गारंटेड। और मेरा माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके काम होते रहेंगे। तो ये था पानी से, ऐसा पानी को पीना भी है याद रखना ये, और ग्लास कांच का ही होना चाहिए ये भी याद रखना, ठीक है। तो आप इसे चाहे वशीकरण कीजिए, पानी से वशीकरण हो जाएगा, पानी से आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, इसको आप प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।